केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक ने 5 नवंबर को देश भर में हो रहे चक्का जाम के कार्यक्रम में शामिल होगी और समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अन्य संगठनों के साथ मिलकर चक्का जाम करेगी। गन्ना मूल्य भुगतान कराने एवं पर्ची की SMS व्यवस्था को समाप्त करने की मांग भी शामिल रहेगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार गन्ना समिति बिलारी के प्रांगण में बड़ी संख्या में किसान उमड़ पड़े और पंचायत हुई। पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास कराए गए 3 कृषि बिल किसान विरोधी हैं। इन बिलों में किसान की आमदनी सुनिश्चित करने का कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 फार्मूले में 50% मुनाफा जोड़कर फसलों का SSP तय किया जाए और उस रेट पर खरीदने की गारंटी दी जाए। इस तरह से तय रेट से नीचे खरीद करने वाले को अवैध घोषित करके कड़े दंड का प्रावधान किया जाए। ऐसे प्रावधान होने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर आगामी 5 नवंबर को पूरे देश में चक्का जाम का कार्यक्रम है। इस चक्का जाम को भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक और अन्य सहयोगी किसान संगठनों के साथ मिलकर करेगी। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या भी इसमें शामिल की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर सभी किसानों का सभी किस्म का धान तुलना एवं पर्ची की SMS व्यवस्था इच्छुक किसानों को भी उपलब्ध कराने की मांग की। जो किसान इस व्यवस्था के अन्य इच्छुक हैं, उन्हें पूर्व की भांति पर्ची उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग ने किसानों से एस्टीमेट को जमा करा लिए हैं, लेकिन अब कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। लड़ेंगे और बिल्कुल ये बराबर करना। और सुनो ये बात, ये मजा दिमाग में, हम लड़ रहे हैं और कोई हमें वो नहीं दे रहा कि हम लड़ रहे हो। सरदार भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिख दिया था, जब वो सांडा हत्या हुई थी पंजाब के गांव में जाकर रुके थे, वो रात बिताने के लिए वहां पता पड़ गया भगत सिंह यहाँ रुके हुए, पुलिस पीछे भाग रही है उनके। बड़ा कमजोर लोग थे उस टाइम। ये मुखिया उनके पास गया, बोले बेटा काम बहुत अच्छा करा ले, हमें चाहते तो गांव से बाहर चले जाओ, पुलिस तंग ना करे। तो बहुत हंसे वो, बोला अच्छा काम भी कर रहा हूँ, चला भी जाऊँ मैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं आने, मैं निकल जाऊँगा। तो भगत सिंह ये बात कह रहे थे, इस समाज के काम के लिए